आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने गूगल डेटा को हैक होने से बचा सकते हैं, क्योंकि कल के दिन ही गूगल ने एक नया फीचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा फीचर जो है रिलीज़ किया है, रोल आउट किया है, तो उसको जो है गूगल बहुत बड़े तरीके से जो है एडवर्टाइज़ नहीं करेगा, उसको बिल्कुल छुपा के ही रखेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वो फीचर आप कैसे यूज़ करके अपने डेटा को लीक होने से, अपने सेंसिटिव डेटा को लीक होने से बचा सकते हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये वीडियो आप पूरी देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूं। तो मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं tech+gadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये फ़ीचर कैसे इनेबल होता है, मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गूगल जो है आपका डेटा पूरी तरीके से स्टोर करके रखता है, और कुछ अच्छी चीज़ों के लिए वो आपका डेटा स्टोर करता है। जैसे कि आप गूगल की बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे गूगल मैप्स हुआ या गूगल सर्च इंजन हुआ, तो इस तरीके की जब आप सर्विस यूज़ करते हैं तो आपका जितना भी डेटा होता है, जो भी आप उसमें डालते हैं या जो भी सर्च करते हैं, वो आपके अकाउंट में जो है वो सेव हो जाता है। वो सेव होने का कारण ये है कि फिर जब नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करोगे तो गूगल जो है वो आपको रिकमेंड करता है। आपको एक बेसिक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप गूगल सर्च इंजन पे कुछ भी टाइप करते हैं, तो वो जो आप जो भी टाइप कर रहे हैं और आपका जो भी रिजल्ट हुआ, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैश के फॉर्म में जो है गूगल अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम कुछ भी सर्च करोगे तो वो आपको रिकमेंड करता है। तो ये काइंड ऑफ गूगल आपकी हेल्प करता है। लेकिन आपका इतना सारा डेटा जो है गूगल के पास स्टोर होता है, गूगल जो है वो सेफ है, लेकिन जब आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हो तब आप गूगल की सर्विसेज उसको इनेबल करते हो। लाइक जब आप साइनअप करते हो तो आप उसको परमिशन देते हो कि भाई साइनअप जो है गूगल के द्वारा किया जाए, तो क्या होता है कि गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं वो उस एप्लीकेशन को पता पड़ जाती है। लाइक 80-90% तक जो है आपका डेटा जो है उस एप्लीकेशन के साथ शेयर हो जाता है। तो ऐसे में भाई हैकिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, आपका डेटा लीक होने के बहुत सारा चांसेस है। तो गूगल इसके लिए ऑप्शन देता था। पहला ऑप्शन था, उन पहला जो ऑप्शन था वो ये था कि आप ये जो सर्विस है लाइक डेटा सेव करने की सर्विस को आप पूरी तरीके से स्टॉप कर सकते हो, या फिर दूसरी सर्विस ये थी कि आप जो भी वो डेटा आप सेव कर रहे हो वो सेव ना होके लाइक पूरी तरीके से डिलीट कर सकते हो आप। तो ये जो चीज़ थी वो अच्छी थी, बट इसके डिसएडवांटेज भी थे। डिसएडवांटेज ये था कि जब आप पूरी तरीके से डिलीट कर दोगे या फिर डिसेबल कर दोगे उस फीचर को, तो गूगल आपको रिकमेंड नहीं कर पाएगा। आपके जो पासवर्ड वगैरह जो है गूगल सेव करके रखता है वो सेव नहीं कर पाएगा। तो ये यूज़र के लिए बहुत लाइक एक टाइप का बहुत मैसी सी चीज़ थी। लेकिन भाई कल के दिन जो है गूगल ने बहुत अच्छा फीचर इनेबल किया है, उसमें आप ऑटोमेटिकली जो है अपने डेटा को डिलीट कर सकते हो, गूगल खुद ही डिलीट कर देगा। आपको बस दो ऑप्शन को इनेबल करना है। पहला ऑप्शन उसमें ये होगा कि आप 18th मंथ वाला चूज़ कर सकते हो, तो जैसे ही आपके 18 महीने पूरे हो जाएंगे तो आपका जितना भी गूगल का डेटा है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत ही डेटा जो है गूगल यूज़ कर पाएगा जो आप रिसेंटली यूज़ कर रहे हो वो। और दूसरा ऑप्शन है 3 महीने वाला, लाइक 3 महीने तक आपका डेटा जो है जितना भी रहेगा वो डिलीट हो जाएगा खुद ही, आपको बस इनेबल करना है, और उसके बाद जो है आपका जितना थोड़ा बहुत जो डेटा रहेगा वो गूगल यूज़ करेगा। तो ये जो है फीचर कल ही के दिन जो है गूगल लेकर आया है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हो, वो भी बहुत इजी वे में। तो इसके लिए हम अपने लैपटॉप में जाएंगे और आपको उसमें बताऊंगा कि आप कैसे इनेबल कर सकते हो। ये जो प्रोसेस है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लिंक ओपन करनी है, myaccount.google.com। ये लिंक मैं स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आपको ये लिंक ओपन करने के बाद आपको या तो ऑप्शन देगा लॉगिन करने का, तो आपको गूगल अकाउंट पर लॉगिन करना है आपके, या ऑलरेडी लॉगिन होगा तो इस तरीके की स्क्रीन जो है आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जब आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो बहुत सारे मेन्यूज आपको देखेंगे, तो इसमें से आपको थर्ड नंबर का ऑप्शन चूज़ करना है, डेटा एंड पर्सनलाइजेशन का। जब आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो बहुत सारे आपको जो है एक्टिविटीज़ टाइप के एक्टिविटी कंट्रोलर्स मिल जाएंगे, तो इसमें से आपको फर्स्ट जो है वेब एंड ऐप एक्टिविटी कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है, तो उसका जो है आपको पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है मैनेज करना है अपनी एक्टिविटी, तो मैनेज एक्टिविटी के बाद जो है आपको आपसे ये पूछेगा कि आपकी जो एक्टिविटी है वो आपको किस तरीके से डिलीट करनी है, चूज़ टू डिलीट ऑटोमेटिकली, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक पॉपअप आ जाएगा, उसमें जो है आपसे ये पूछेगा कि कीप फॉर 18 मंथ, कीप फॉर 3 मंथ। तो भाई इस तरीके के जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये 18 मंथ वाला चूज़ करेंगे तो भाई वो जो डेटा है आपका वो 18 महीने के बाद जो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर आप ये
3 महीने का चूज़ करेंगे तो 3 महीने बाद डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये 3 मंथ वाला चूज़ करें, उसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट के बाद जो है आपसे पूरी इंक्वायरी लेगा कि भाई इतने इतने टाइप के आपके जो है डेटा यूज़ हो रहा है यूट्यूब में, वन प्लस में, इंस्टाग्राम में, तो इस तरीके से जो है आप जाके इसको कन्फर्म कर सकते हैं। तो ये जो है आपको थोड़ी सी लोड होने के बाद आपसे बोल देगा कि भाई आपकी जो प्रेफरेंस है वो सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं ईजीली। तो इसमें क्या होगा कि 3 महीने का जब आप चूज़ करेंगे तो आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा जो है गूगल लेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा, तो जिसके कारण थर्ड पार्टी की जो एप्लीकेशन है उसके पास आपका डेटा नहीं जाएगा और आपका डेटा सेव होगा। तो ये जो तरीका था ये मैं आप पर्सनली चाहता हूँ कि आप लोग भी यूज़ करें, बहुत ईजी स्टेप्स है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपका डेटा अच्छे तरीके से सेव हो सकता है। तो भाई इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।